أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين بارث الصادقين صريح المستفرقين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويبلغ ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتطاول الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المقالب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأرطغي البكحي الطهامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وعاسر حقوقهم وفترتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنذير بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين काफिरों से मुशरिकों से मुनकिरों से बेदीनों से ये कह दीजिए कि तुमने जिस चीज को भी अपने लिए मरकज बनाया हो लेकिन मेरी जिंदगी का मेरे वजूद का मरकज जाति परवरदिगार है। मेरी नमाजें मेरी तमाम इबादतें मेरी हयात मेरी मौत ये सब अल्लाह के लिए हम उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं उसी की बारगाह से आए हैं और उसी की बारगाह में हमें वापस जाना है और ये वो अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं जिसका कोई साथी नहीं जिसका कोई हम बंदा नहीं और मुझे उसकी बंदगी का हुक्म उसी की तरफ से दिया गया है और मैं उसके हुक्म पर उसके अहकाम फरमाने पर सरे तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहली फर्द हूं। एक सवाल पढ़ते हैं पर मुहम्मद आए करीमा के तर्जमे के बाद अब मैं अपनी गुफ्तगू को आज मजीद आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि कानून मरकजियत निजाम फितरत का एक हिस्सा है और इस्लाम की फितरत है, लिहाजा इस्लाम में आपको कदम कदम पे कानून मरकजियत की जलवा फरमाई दिखाई देगी। इस्लाम के तमाम अहकाम इस्लाम के तमाम उसूल इस्लाम के तमाम नजरियात सब जगह आपको कानून मरकजियत हाकिम नजर आएगा, चाहे वो उसूल हो या फुरू हो जुजियात हो कुलियात हो अहकाम हो एतिकादात हो इबादात हो मामलात हो सियासी उमूर हो
फौजी उमूर हों, हुकूमती मसाइल हों, इंफरादी जिंदगी के मसाइल हों, इज्तिमाई जिंदगी के मसाइल हों, तालीम तरबियती उमूर हों, अखलाकियात से मुतालिक चीजें हों, समाजी मसाइल हों, जितनी भी इंसान की जिंदगी के जितने भी मसाइल और जितने शो में हर जगह इस्लाम की तालीमात में आपको कानून मरकजियत लगाएगी। चुनांचे इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज क्या है? अगर आपने देखना है कि इस्लाम में कानून मरकजियत को कितनी अहमियत दी गई है और कानून मरकजियत की कहां कहां जलवा फरमानियां हैं, सबसे पहले ये देखिए कि इस्लाम की सबसे बुनियादी तालीम क्या है, इस्लाम का सबसे बुनियादी उसूल क्या है, इस्लाम का सबसे बुनियादी नजरिया क्या है। जब आप मुलाहिदा फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के तमाम उसूल में, इस्लाम के तमाम कुलियात और कुलियात में, इस्लाम के तमाम अहकाम और फरामीन में सबसे बुनियादी चीज है तौहीद। पूरे दीन की बुनियाद है इतकादा, इसे देख रखिए, इतकादा पूरे दीन की बुनियाद होते हैं, इसीलिए उन्होंने उसूल का है, उसूल जमाए का है कि असी की आसी के माना है जड़ और बुनियाद के। तो एतकादात को उसूल दीन इसलिए कहा जाता है कि वो दीन के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं, उन्हीं के ऊपर दीन की इमारत तामीर होती है। तो तमाम दीन की बुनियाद एतकादात और एतकादात की बुनियाद तौहीद और तौहीद की बुनियाद जाते परवरदिगार और तौहीद का भी अकीदा एक ऐसा बुनियादी अकीदा है कि जिसकी तरफ पूरा दीन लौट के जाता है। तमाम उसूल फुरू का ताल्लुक तौहीद से, अदल का ताल्लुक अकीदा तौहीद से, नबुवत का ताल्लुक अकीदा तौहीद से, इस्मत का ताल्लुक अकीदा तौहीद से, इमामत का ताल्लुक अकीदा तौहीद से, विलायत का ताल्लुक अकीदा तौहीद से, कयामत का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, कब्र के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, सवाल और जवाब के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, बरज़ख के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, महशर के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, मीज़ान के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, शफ़ाअत के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, जज़ा और सज़ा के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, जन्नत और जहन्नम के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, कौसर और तस्कीन और सलसबील के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है, रिदाए परवरदिगार के अकीदे का ताल्लुक अकीदा तौहीद से है। जितने एतकादात के सच्ची बात अकीदा तौहीद की तरफ है, इसी सूरत से जितने अहकाम हैं, जितने मसाइल हैं, जितने फुरू हैं, उन सब की बात भी अकीदा तौहीद की तरफ है। चुनांचे नमाज का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, रोजे का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, हज का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, खौफ का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, ज़कात का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, अम्र बिल मारूफ का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, नहीं ये मुनकर का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है, तवल्ला का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है और तवल्ला का ताल्लुक भी अकीदा तौहीद से है। अकीदे तौहीद की तरफ, पूरे दीन की बुनियाद है अकीदे तौहीद, और ये वो अकीदा है कि जिसकी तरवीज के लिए, जिसकी नशर व इशारत के लिए, जिसे ज़हनों में मुंतकिल करने के लिए अंबिया ने, मुर्सलीन ने मिन्नतें की हैं, मशक्कतें की हैं, कुर्बानियां की। अगर आप जानते बच्चे रहेंगे तो अपनी गुफ्तगू को जल्द से जल्द आपके दिनों तक मुंतकिल कर सकूंगा। मैंने ये मौजू ही पहले ध्यान की खिदमत में अर्ज किया था कि इसलिए अख्तियार किया है ताकि हम अपने दीन को मुख्तलिफ जातियों से और मुख्तलिफ पहलुओं से समझ सकें। जब तक हमारे दिल में खुद इत्मीनान नहीं पैदा होगा, जब तक हम खुद अपने अकीदे के सिलसिले में मुतमईन नहीं होंगे, उस वक्त तक हम दूसरों को कहां से मुतमईन कर सकते हैं। और अज़ीज़ाने मोहतरम, दूसरों को मुतमईन करने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहला मरहला यह है कि हम खासतौर पर जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस दौर में हमें गुमराह करने के लिए, हमें मिसगाइड करने के लिए, हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, हमें मुनहरिफ करने के लिए तरह तरह की ताकतें काम कर रही हैं। और खासतौर पर यह दौर,
इस दौर में कैसे कैसे इन्हेराती नजरिया दिलों में मुंतकिल किए जा रहे हैं, इस आते में अच्छी तरह से महफूज रखिएगा। या हमारे और आपके सबके मुशाहदात में बहुत सारी बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी, दीन में उपज के उन्वान से आज दाखिल की जा रही है, आपने कभी नहीं सुनी थी। अनीमे मासूमीन की तालीमात में उनका कोई तस्करा नहीं है, कुरान की तालीमात में उनका कोई वजूद नहीं है, हमारे अहले बैत की सीरत में उसका कहीं कोई उन्वान नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी न किसी उन्वान से हमारे जज्बात को और हमारे एतिकादाती को बुनियाद बना के हमें मिसगाइड करने की कोशिश किया रही नहीं है, हमें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश हो रही नहीं हो रही, कौन इस हकीकत से इनकार कर सकता है। बात आ गई है तो मैं रुक क्या खिदमत में आज कर दूं कि अजीनाई मुहतरम हम और आप इस पर जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं ये दौर चैलेंजेस से भरा हुआ दौर है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो फेस करना है वो दुश्मनान इस्लाम की तरफ से। आप कहेंगे साहब दुश्मनान इस्लाम अगर इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए कौन सा मसला है, जो मुसलमान है वो चाहे फेस करे। लेकिन यही पे आपकी खिदमत में आज कर दूं के मुसलमान बोले भागे हो तो हूं लेकिन दुश्मन बोला भागा नहीं है। दुश्मन अच्छी तरह से जानता है कि इस्लाम के जितने भी एडिशन हैं उसमें असली बात इस्लाम को है। दुश्मन ऐसा नहीं वो जानता नहीं है कि इस्लाम के कितने फिरके हैं, इस्लाम में कितने गरोह हैं, इस्लाम में कितने नजरियात हैं, इस्लाम में कितने मरतबे फिक्र हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानता है और इस पर खास तौर पे इस्लाम के खिलाफ साजिश क्यों हो रही, इसलिए कि ये अहद और ये जमानत जिसमें हम आप जिंदगी बसर कर रहे हैं ये हकीकतन इस्लाम की सरबलंदी का दौर है। ये सदी ये 22वीं सदी अजीजान मोहतरम ये 21वीं सदी ये हकीकतन इस्लाम की सरबलंदी की सदी, इस्लाम की सरबलंदी का जमाना है और इस्लाम से बाकायदगी इसी मौजू के रहते इस्लाम से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो तवाबीत हैं और अरबाबी दुनिया। क्यों? इसलिए कि इस्लाम उन्हें वैधानिक की तरफ बुलाता है। तवज्जो, इस्लाम ना शर्किया ना गर्किया का नारा देता है, इसे ध्यान रखिएगा। मैंने अर्ज किया था ना कि तौहीद बुनियाद है, तौहीद बुनियाद किसे मैं इस पहलू से आपकी खिदमत बात कर रहा हूं। तो अगर पूरी दुनिया अल्लाह की बैदानी की बात के सामने सरेंडर हो जाए उसके बाद तस्लीम खान करते कि ये इस्लाम के माना है तो फिर इनके मफादात का क्या होगा? तवज्जो, लिहाजा इस्लाम की सरबलंदी से सबसे ज्यादा खतरा इन्हें, जब खतरा है तो फिर वो जाहिर बात है कि अपने मफादात के तहफ़ के लिए सरगर्मी अमल होंगी, सरगर्मी अमल हैं, साजिशें हो रही हैं, लेकिन चूंकि उन्हें मालूम है कि इस्लाम के इतने सारे एडिशन हैं, हमें खतरा किस वाले इस्लाम से, किस वाले इस्लाम से? अजीजान मोहतरम, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें उस इस्लाम से खतरा नहीं था जिसकी नुमाइंदगी सद्दाम कर रहा था, हमें उस इस्लाम से खतरा नहीं कर रहा था जिसकी नुमाइंदगी उसने मुबारक, हमें उस इस्लाम से खतरा आज भी नहीं है जिसकी नुमाइंदगी जी, हमें उस इस्लाम से खतरा है जो कर्बला से इंट्रोड्यूस होकर सामने आ रहा है, जो गदीर के बड़े फर्ज से इंट्रोड्यूस होता है। यानी असल में दुश्मनों को जिस इस्लाम से खतरा है ये वो इस्लाम है जो मकतबे अहले बैत के नाम से जाना जाता है, जो तशय्यो के नाम से जाना जाता है, जो मकतबे कर्बला के नाम से जाना जाता है, आदादारी जिसकी हिफाजत करती है, जिसको फरोख देती है। लिहाजा साजिशें हैं तो आपके खिलाफ, तोड़ने की कोशिश की जा रही तो आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही, फिरका वारियत पैदा करने की कोशिश की जा रही तो आपने पैदा की जा रही, हर एतबार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही तो आपको कोशिश हो रही, तालीम से दूर रखना चाहते हैं तो हमें दूर रखना चाहते हैं, हकायत से अगर हमें महरूम रखना चाहते हैं तो हमें महरूम रखना चाहते हैं, अब जो मिस गाइड करने की कोशिश हो तो हमें कोशिश हो रही, और
बताया जा रहा है कि दुश्मन इसके लिए क्या करता है, इसके लिए अपने अपराध को नहीं भेजता है। चर्च से कोई नहीं आएगा आपको मुनहरिफ करने के लिए, तवज्जो, किसी गिरजाघर से नहीं आएगा कोई आपको गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, बल्कि हम में से अपराध मुंतखब किए जाते हैं, हम में से अपराध मुंतखब किए जाते हैं। इसी लिबास को खरीदा जाता है, इसी लिबास को खरीदा जाता है। इसीलिए मैं करता हूं कि आज जब आप मेंबर से मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगु सुने तो किसी की भी गुफ्तगु को आंख बंद करके कबूल न करने, बल्कि हर गुफ्तगु को सुनने के बाद साफ तौर पर इस सूरत में जब आपको इंट्रोडक्शन वाली बातें सुनाई थी, मुतजाद गुफ्तगु सुनाई थी, ये कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनसे आपने कुछ सुना उनसे कुछ सुना, तीन तो एक ही है जो बैठे बैठे पेश किया है, तीन तो एक ही है जो बैठे बैठे पेश किया है। और अजीजान मोहतरम, दुनिया वालों ने जिस मरकज से नहीं दिया उनके यहां तो कंट्रोडक्शन मिल सकता है, मगर अहले बैत के यहां किसी तरह का तजाद और कंट्रोडक्शन नहीं होता है। जो मजहब उन्होंने पेश किया क्यों, इसलिए पहले दिन किया अब कोरोना मोहम्मद पाओ तो कोरोना मोहम्मद बाहर कोरोना मोहम्मद बकुल कोरोना मोहम्मद, हमारा अब्बल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम सबके सब मोहम्मद है। चुनाचे जो एक ने कहा है कोई दूसरे ने कहा है, जो दूसरे ने कहा है कोई तीसरे ने कहा है, जो तीसरे ने कहा है कोई चौथे ने कहा है, जो चौथे ने कहा है कोई तमाम इमाम ने कहा है, और वही बारहवे ने कहा है आखिरी ने कहा। सबकी तालीमात एक, सबके तालीम करता उसको अहकाम नजरियात एक, फिर ये आखिर इख्तिलाफात जगह जगह क्यों पैदा हो रहे हैं? हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए जायज है कि नाजायज है, ये हमारे लिए वाजिब है कि वाजिब नहीं है, नमाज में ये कहना है कि वो कहना है। सवाल ये पैदा होता है कि अहले बैत ने तुम्हें अधूरा मदद दिया था या पूरा मदद दिया था? आज 1400 साल के बाद तुम्हें सोचने की जरूरत पेश आई कि नमाज ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अजीदान मोहतरम, अगर कोई शख्स नमाज को अहले बैत वाली नमाज समझता है तो उसे जबान खोलने का हक नहीं है, और अगर बस कर रही है तो उसने जबान खोली तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी ख्वाहिशात को दर्द नहीं दे रहा है, बल्कि हकीकतन अहले बैत की तबलीगात को और उनके पेश करता दीन को अधूरा होना भी बता रहा है। सलाम पढ़ने वालों का मतलब नजरिया दूसरे के नजरिए से मिलता नहीं, एक की राय दूसरे की राय के मुताबिक नहीं,
एक कहां स्थिरता दूसरे के सत्य के मुताबिक नहीं, वहां इख्तलाफ है। इसलिए कि इल्म नाकिस है, फिक्र नाकिस है, मकतबे फिक्र नाकिस है, तवज्जो हो, लेकिन ये सब के साथ आलिम इल्म लदुन्नी है, उधर से इल्म के लेके आए हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, दुनिया वालों का इख्तलाफ होता है, अल्लाह वालों का इख्तलाफ नहीं होता। लिहाजा मासूमीन ने जो दीन पेश किया है वो निखरा सुथरा बेहतरीन दीन, खूबसूरत दीन, जिसमें कोई दलीलती नहीं है, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसमें इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके एतकादात मुसल्लम, जिसके अहकाम मुसल्लम। तो ऐसे में अज़ीज़ाने मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि हम अगर दुश्मनों के चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं तो अपने दीन को सही तरीके से समझें। और इसी सिलसिले में आज करना चाहता हूं कि तमाम एतकादात इनकी बुनियाद है तौहीद, लेकिन खुद एतकादात पूरे दीन की बुनियाद है, और इन एतकादात को हमें समझना कैसे, तवज्जो, इन एतकादात को हमें हासिल कैसे करना है, आया किसी के कह देने से, बता देने से, तालीम दे देने से, मां बाप की दिवानी से कबूल करना है, सोसाइटी की पैरवी में इसे कबूल करना है, मौलवी साहब के पद देने से उसे कबूल करना है। बात एतकादात की आइडियोलॉजी से कहते हैं, एतकादात है दीन की बुनियाद। इन बुनियादों को हमें कैसे हासिल करना है, इस मरकज तक हमें कैसे पहुंचना है। किसी भी मरकज तक पहुंचने के लिए गुलाबा होता है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, एतकाद जो पूरे दीन के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं, एतकाद जो पूरे दीन की बुनियाद हुआ करते हैं, उन तक पहुंचने के लिए परवरदिगार आलम ने हमें एक अजीम नेमत अता की है, जो तमाम नेमतों में सबसे मरकजी हैसियत रखती है। बच्चों, इंसान के पूरे वजूद में मरकजी हैसियत रखती, अल्लाह ने इंसान को क्या क्या किया है। आइए पूछते हैं किससे, उससे कि जो कभी किसी सवाल के जवाब में आज नहीं। पर आसमान से आयत नाज़िल हुई, वही तकुतु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नहीं शुमार कर सकते, तुम्हारे इम्कान से बाहर है। यह आयत नाज़िल हुई मस्जिद में, हज़रत अशी फरमा थी, आसान समझवा था, सरकार ने पूछा कि तुम में कौन है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके। सारे अस्हाब, उनमें बड़े बड़े दावे वाले थे, सब खामोश बैठे हुए, कोई अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा है। अगर मुअर्रिख होता तो वो शायद इस मंजर को देख के यही कहता कि यही मंजर का खंदक में देख चुके, वहां भी सरों पे करते, सर झुकाए बैठे बैठे और गर्दिश नहीं थी, जुम्बिश नहीं थी, और यहां भी सर झुकाए बैठे जुम्बिश नहीं, लेकिन वहां जुम्बिश नहीं थी, तो बात समझ में आती है। इसलिए कि चांद जोखा में पड़ रही थी, अमर का मुकाबला था, अमर जैसे बहादुर का मुकाबला था, लेकिन यहां क्या, कम से कम यहां नहीं मालूम है, तो कह दो नहीं मालूम है यार, सूरत बात, मगर सब सर झुका बैठे, लेकिन पैगंबर ने सवाल कर दिया है, कोई तो हो इसका जवाब देने वाला, पैगंबर ने पूछा है तो कोई तो हो इसका जवाब देने वाला। चुनांचे वही जवान जिसने जंगे खंदक में पैगंबर के सवाल की लाज रखी थी, उसने यहां भी पैगंबर के सवाल की लाज रखी। मौलाना कायनात का बयान है रसूलुल्लाह, देखिए वही रहता है, वही अंदाज वही रहता, पैगंबर ने खंदक में कहा मान लिहाज कौन है खैबर ने जिसके मुकाबले में जाए, मौला ने कहा अना या रसूलुल्लाह बैठ जाओ यार, अना या रसूलुल्लाह बैठ जाओ यार, अना या रसूलुल्लाह बैठ जाओ अली, मैं खंदक नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन बात आ गई है, अली को बिठा रहे हैं बागबाजू कर रहे हैं, अली पैगंबर की आवाज, पैगंबर की आवाज सारी ना चली जाए, पैगंबर की आवाज पे बार बार लग गए ईद मतलब करा, और जब कोई ना खड़ा हुआ तब पैगंबर ने अली को रवाना किया, जाओ यहां, अब मलाई कहनात रवाना हो गए, लेकिन जब रवाना हुए तो पैगंबर ने लफ्ज भी बदल दी, पैगंबर ने लफ्ज भी बदल दी, पहले कह रहे थे मल हजरत खान कौन है खैबान में जिसके मुकाबले में, अच्छा मौला कहना चाह रहे तो कह रहे बरअज़ल ईमान उसको लोग हुए कौन से कौन ले,
देखा नहीं, जब ये आया था खंदक को अबूर करके और इसने मेरे खैमे में खंजर रख कर दिया था और ये पुकार रहा था मुझे अपने मुकाबले के लिए, मैं आवाज दे रहा था कौन है इसके मुकाबले में आया। उस वक्त इसके अंदर इस हैवान नजीस की खुदूसियत पाई जाती थी, तो मैंने इसलिए पुकारा मन हालत कर कोई तो होता जाता उसे हटा पाता। तवज्जो, अली को बैठा दिया, क्यों बैठा दिया? यहां पे आपकी अकीदत जुमला कर अधिकान मुहतरम कहीं शेर को ऐवान नजीस के मुकाबले में ले जा रहा है? नहीं ले जाओ मुकाबले में। जब तक उसकी हैसियत ऐवान नजीस की थी, बैठ जाओ या अली, बैठ जाओ या अली, लेकिन जब तीन मरतबा पुकारने के बाद कोई ना उठा, अब उसकी हैसियत तब्दील हो, अब उसकी हैसियत तब्दील, उसका उमान बदल गया। क्यों? इसलिए कि ये वो रसूल है जिसकी नुसरत का वादा आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम अंबिया ने किया है, मोमिनीन ने किया है, शुहदा ने किया है, सिद्दीकीन ने किया है, आसमान वालों ने किया है, जमीन वालों ने किया है। अगर ना होते तो इनमें तो कोई नहीं जा रहा, तो पैगंबर की आवाज आनी जाती, नुसरत का वादा टूटता, जिसका जिसका मिजाज टूटता उन सबका ईमान रुखसत होता या नहीं होता। अजीजा ने मोहतरम मुझे एक जुमले में कहने दीजिए कि आप इतने अब्दुल ललकार के बार बार अपनी अपने मुकाबले के लिए आवाज देके 1,24,000 अंबिया और पूरी कायनात के ईमान को खतरे में डाल रहा था, यहां तक कुल्ले कुफ्र का निस्ताक बना, अली ने लबैक कह के सबके ईमान को बचाया, यहां तक कुल्ले ईमान के निस्ताक बना। लेकिन फिर भी कुछ अहम नेमतें उनका तज़किरा तो जरूर मुमकिन है।
अब मौला कायनात ने अहम नेमत को शुमार किया कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें वजूद का लिबास दिया। हम कुछ न थे, अदम थे, वो वजूद में आया। तो ये वजूद उसकी सबसे अजीब नेमत है, लेकिन वजूद के बाद उससे बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें सिर्फ बेजान मखलूक बना के पैदा कर दिया, बल्कि हयात का मालिक बनाया, जिंदगी अदा की। जिंदगी उसकी बड़ी नेमत है, उससे भी बड़ी नेमत। और उसने सिर्फ जिंदगी नहीं अदा की, बल्कि उससे भी बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें अक्ल व शऊर का मालिक बनाया है। अक्ल की नेमत से नवाजा है, और अक्ल की नेमत पे इतफा नहीं की, बल्कि उसने अमल की मंजिल में हमारे हाथ पांव खुले छोड़ दिए, फायदे मुख्तार बनाया। और इससे भी बड़ी नेमत यह है कि उसने हमें किसी का बंदा गुलाम बना के नहीं पैदा किया, बल्कि अपना बंदा बना के पैदा किया। और यही वो बंदगी है जिस पर अली ने फख्र किया, इलाही कफा बी इज्जा अन अकून लक अब्दा व कफा बी फख्रा अन अकून लि रब्बा। अज़ीज़ाने मोहतरम, अली के फख्र के लिए कैसे कैसे फजाइल थे, कैसे कैसे कमालात थे, कैसी कैसी हरमतें थी, लेकिन अली ने न मौलूद काबा होने में फख्र किया, अली ने न कादिर महबूब अंतर होने में फख्र किया, अली ने न साकी कौसर होने में फख्र किया, अली ने किसी भी फजीलत पे फख्र नहीं किया। अगर फख्र किया है मौला कायनात के, तो बंदे किए परवरदिगार पे फख्र। और मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान बंदगी के बारे में बता दिया कि मैं उसकी बंदगी करता हूं, तो किस लिए बंदगी कर रहा हूं? मां अबदना का सौफर निंदा वजह की जन्नत का मेरा बाबू, तो और लोग होंगे जो तेरी इबादत जन्नत की लालच में करते हैं, और लोग होंगे जो तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करते हैं। मेरा बाबू, मैं तेरी इबादत न जन्नत की तमाम में करता हूं, न जहन्नम के खौफ से करता हूं, बल्कि इसलिए इबादत करता हूं कि तू अली के चाहने वालों, अली ने तुम्हारे मेयारे मारिफत को बुलंद किया और यह बताया कि देखो इबादत बहुत ही इबादत है जिसमें न कोई तमा हो और न कोई खौफ का पहलू हो। ये इमाम ने क्या, अब अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अहले बैत से हमें भी मोहब्बत है तो हमें इस पहलू को सामने रखना होगा। यानी अली हमारे ये काम आते हैं इसलिए हमारी मोहब्बत करते हैं, अली हमारी फला मुरादे पूरी कर सकते हैं इसलिए हम अली से मोहब्बत करते हैं, तवज्जो, अली हमारी शफाअत करेंगे इसलिए हमारी मोहब्बत करते हैं, अली साकी कौसर है इसलिए हमारी मोहब्बत करते हैं, तवज्जो। अज़ीज़ान मोहतरम, ग़रज़ की बिना पे मोहब्बत करना और है, फ़ज़ीलत की बिना पे मोहब्बत करना और है। लिहाजा तीन के इतिबादात के सिलसिले में कहीं भी ये तालीम नहीं है अहले बैत की तरफ से
कि माँ बाप की पैरवी न मान लो, इसलिए शिया बन जाओ कि तुम्हारे माँ बाप शिया, इसलिए दो तारे अहले बैत बन जाओ कि तुम्हारे बुजुर्ग दो तारे अहले बैत थे, इसलिए इस दीन के पाबंद बन जाओ कि तुम्हारे बुजुर्ग और आबाजदाद इस दीन की पैरवी करते थे। नहीं, दीन मीराज नहीं, ये वो बातें हैं जो हमारे जहन के अंदर पाए जाने वाले दीन की कॉन्सेप्ट की इस्लाह करती है। तीन तरह के लोग हैं हमारे दरमियान, कुछ लोग दीन को मां बाप की देन समझते हैं, बुजुर्गों की मीरास, कुछ वो लोग हैं कि जो दीन को सोसाइटी की देन समझते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो दीन को रस्म और रिवाज का मजमूआ समझते हैं, कुछ वो लोग हैं कि जो दीन को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। है नहीं ऐसे लोग हमारे दरमियान, सोसाइटी की देन, मां बाप की देन, बुजुर्गों की देन जो लोग समझते हैं, मीरास समझते हैं। भाई आप क्यों मुसलमान हैं, आप क्यों शिया हैं? इसलिए कि हमारे बुजुर्ग शिया थे, मुसलमान थे, हमें खुद सोचने की जरूरत नहीं है। यानी गोया उनके नुक्ते नजर से जिस तरह जायदाद जमीन को मुंतकिल होती है, उसी सूरत से दीन भी मीरास को मुंतकिल होने वाली कोई चीज है। ये एक बात। दूसरी तरफ आप क्यों शिया हैं, आप क्यों मुसलमान हैं, आप क्यों दो तारे बैठ? अब हम जिस माहौल जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें यही कुछ इसी तरह के लोग हैं। अच्छा, इससे बचेगा जरा मुहर्रम में तो मजलिसे कर रहे हैं, माह मुबारक रमजान है तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, मस्जिद में भी आ रहे हैं, जुलूस उठता है तो उसमें भी शिरकत कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मगर इसकी हैसियत सिर्फ ट्रेडिशन की, रस्म रवाज की। यानी हमने उसकी इफादियत को, उसके असल मकसद को नजरअंदाज कर दिया। ये एक और तीसरा करोड़ अपने को ज्यादा अपटूडेट समझता है कि उसके नुकते नजर से असल अहमियत दुनिया और दुनियावी कामों की, जब ऑफिस से फुर्सत मिल जाए, जब दुकान से फुर्सत मिल जाए, जब बैंक बैलेंस इकट्ठा करने से फुर्सत मिल जाए, जब खाने पीने से फुर्सत मिल जाए, जब तफरी से फुर्सत मिल जाए, जब पार्कों से फुर्सत मिल जाए, जब दूसरों की खीबा से फुर्सत मिल जाए, तो थोड़ा सा दीन को भी दे देंगे, मस्जिद भी चले जाएंगे और महफिल में भी चले जाएंगे, मस्जिद में भी चले जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तीन में से कौन सा तीन दीन सही? वो दीन कि जो माँ बाप की मीरास समझा जाता है, वो दीन जो रस्म और रिवाज का मजमूआ समझा जाता है, वो दीन कि जो पार्ट टाइम जॉब समझा जाता है। अगर ये तीन तरीके गलत हैं तो ढूंढिए कोई चौथा तरीका होगा, वही सही होगा। वो चौथा तरीका कौन है? अइमा मासूमी का तालीम किया हुआ तरीका, कि दीन को खुद समझो, अपनी अकल से समझो, दीन की बुनियाद हो। दीन के दो हिस्से इसलिए किए हैं, उसूल दीन और फुरू दीन। उसूल दीन यानी एतकादात, एतकादात को किसी की पैरवी में, किसी के कह देने से, किसी के बता देने से, किसी के सुन देने से तुम्हें नहीं मानना है जब तक तुम्हारी अकल उसे तस्लीम न करे। अकल इस्तेमाल करो, अकल को अपने लिए मियां बनाओ, और यही तालीम है पूरी जिंदगी की मासूमी की। मैं अपनी गुफ्तगू को आज यही पे मुख्तसर करना चाहूंगा। एक शख्स आया मौलाना कायनात की बारगाह में और उसने सवाल किया, या अली मतली वाला इस बात के सामने, या अली बताइए कि कायनात की बनाने वाले के वजूद पर क्या रहती है? देखिए बात तौहीद की है, अकीदे की गुफ्तगू है। सवाल करने वाला कौन था? ऊंटों का चरवाहा, एक बद्दू वाला जाहिल इंसान, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। मौलाए कायनात उससे कह सकते थे ना कि बस इतना समझते कि मैं कह रहा हूं अल्लाह है मान ले, मेरे कहने से मान ले, पैगंबर आए हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह से हो, पैगंबर के कहने से मान ले, और आप भी कोई आयत पढ़ रहे थे कहने मान ले, लेकिन ना अपनी शख्सियत का हवाला दिया, ना रसूलुल्लाह की शख्सियत का हवाला दिया, ना कुरान का हवाला दिया, बल्कि मौलाए कायनात तो उसने दवा दलील पूछी थी तो दलील दी, अली ने दलील दी। अब ये और बात है, ये अली का कमाल है, ये अली का कमाल है कि वो अली जो कभी उस बुलंदी से गुफ्तगू करता है, उस बुलंदी से गुफ्तगू करता है कि जिसके बारे में कहता है कि जर सारे बलाये करता है, मुझसे उलूम महारिफ के चश्मे जारी होते हैं, अफसा जारी होते हैं, और मेरे इल्म मराती की बंदी तक इंसान का तारीफ भी नहीं हो सकता।
कभी अली की हराम नहीं देखो क्यों करते लोग कुछ पर देखा नमाज दर्द तो यकीन था अगर बातें हरा दिया जाए तब भी मेरे को यकीन में इजाफा नहीं हो पाया तवज्जो और कभी अली एक चरवाहे ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि चरवाहे की समझ में भी आ गए लिहाजा हम मौलाए कायनात भी उसे एक सादा सी दुनिया अलबाहतु तदुल्लु अला बईर फरौतु तदुल्लु अला नबीर فعثار القدم تدل على المثير فهيكل مبني بهذه اللطافه فمركب سفلي بهذه الجفافه فكيف لا تدل على اللطيف الخبير اونٹ ایک دروازے پر اس کی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ راستے میں تو اونٹ کی نیکیاں پڑے ہوئے دیکھتا ہے تجھے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے جہاں دیکھے تمہیں اونٹ کو نہیں دیکھا ہے रास्ते में तो गधों के गधे के लीड पड़े हुए देखता है क्या समझ में आता है कि जैसे गधा गुजरा है राह में गधे बोलते हुए नहीं देखा है इंसानों के हाथों के निशान देखता है तो इसे क्या समझ में आता है कि जैसे इंसान गुजरा है तरहारे के इंसान गुजरते हुए नहीं देखा है कहा यार ऐसे ही जब उसकी अब से एकराम ले लिया तुम्हारी गफ्फार मरकजुन और भी उन पे हाथ ही लता इतना बड़ा मरकजी और भी ये आसमान इस लगाव के साथ इस बलंदी के साथ वहां तक उनसे त्रिगुण बेहाल ही का साफा और इतनी बड़ी जमीन इस बुजुर्ग के साथ ये दोनों मिलके क्यों ना उस जात के वजूद की दलील बने की जो लतीफ की है जो खबीर अब आप देखिए इमाम ने अकल को खिताब किया नहीं किया अकल को खिताब किया क्यों इसलिए कि अकल मरकजी नियमत है दीन के मरकज तक पहुंचने के लिए दीन का मरकज क्या है हमारे इत्तेहादात और अक्ल से जो खिताब किया उसमें जो दलील दी है वो भी मरकजी नौयत की है मेरा मतलब ये ना कि मैं दीन में मरकजियत आपको दिखा रहा हूं वो भी मरकजी नौयत की है क्यों इसलिए कि जब कोई चीज ऐसी हो तवज्जो जो ना आंख से दिखाई देती हो न कान से सुनाई देती हो न जबान से चखी जा सकती हो ना हाथ से छू के महसूस की जा सकती हो तो फिर ऐसे चीज को हम कैसे समझेंगे उसके वजूद के यकीन कैसे करेंगे मौला ने कहा कि देखो किसी चीज का इंकार इस दुनिया से ना करो कि वो आंख से नजर बन जाती किसी चीज का इंकार इस दुनिया से ना करो कि वो कान से सुनाई नहीं देती किसी चीज का इंकार इस दुनिया से ना करो कि वो नाक से सूंघी नहीं जा सकती किसी चीज का इंकार इस दुनिया से ना करो कि वो जबान से चखी नहीं जा सकती किसी चीज का इंकार इस दुनिया से ना करो कि बाहर से छू लिया ये हवा से खमखान है जो मारती चीजों के वजूद को पता चला है अल्लाह नूर है अल्लाह नूर है वो आवाज नहीं है कि कान से सुना जा सके वो जिस नहीं है कि आंखों से देखा जा सके वो खुशबू नहीं है कि नाक से सूंघा जा सके वो मादा नहीं है कि जबान से चखा जा सके वो मादा नहीं है कि हाथ से छुआ जा सके बच्चों तो फिर उसके लिए अपनी मरकजी ताकत को इस्तेमाल करो वो मरकजी ताकत क्या है अकल 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 रहनुमाई करेगी किस बुनियाद पर अकल का रहनुमाई करने का अंदाज ये है कि असर को देखो मौसी को पहचानो निशानी को देखो साहिब निशानी की बात बता दे दो तवज्जो और इसी के परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो अगर तुम्हें मरकजी अकायद तक पहुंचना है तौहीद की असल को समझना है तो हमेशा अपनी अकल को इस्तेमाल करो और मेरी निशानियों के बारे में गौर करो इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفق الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر لايات لقوم يعقلون زمین آسمان کی خندق میں رات و دن کی آمد و رفت میں دریاؤں میں سمندروں میں ان کشتیوں میں انہیں اللہ نے چلایا ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں ان جانوروں میں کہ جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ان سب میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ان کے لیے جو صاحبان عقل ہیں جو صاحبان عقل ہیں جو اپنی عقل کو بڑے کام لاتے ہیں تو عقل کا کام یہ کہ نشانی کو دیکھے اور صاحب نشانی کی معرفت حاصل کرے گفتگو کر عزیزان محترم عقل جتنی نشانیوں کو دیکھ سکتی ہے دیکھے گی اللہ نے اسے ذہن رکھیے گا خود نظر نہیں آتا توجہ خود سنائی نہیں دیتا خود ناک سے سونگا نہیں جا سکتا خود زبان سے چکھا نہیں جا سکتا خود ہاتھ سے چھو کے محسوس نہیں جا سکتا مگر نشانیاں اس نے ایسی بنائی ہیں کہ ان پانچوں طاقتوں سے تعلق رکھتی ان پانچوں طاقتوں سے تعلق رکھتی وہ بھی نشانیاں بنائی جو دیکھی جا سکتی ہیں وہ بھی نشانیاں بنائی میں آپ کے دلوں کو خوش نہیں کروں گا فضیلت کا میل اسی سے نکلے گا
वो भी निशानियां बनाई जो सुनी जा सकती है, वो भी निशानियां बनाई जो सूंघी जा सकती है, वो भी निशानियां बनाई जो चखी जा सकती है, वो भी निशानियां बनाई जो छू के महसूस की जा सकती है। पांचों कारणों से ताल्लुक रखने वाली निशानी बनाई, किसी एक कारण से ताल्लुक रखने वाली निशानी नहीं बनाई। अगर ऐसा कर देता तो जो उस ताकत से महरूम था वो तो अपने कुफ्र शिर्क का उजर पेश कर सकता था कि नहीं। मतलब सिर्फ ऐसी निशानी बनाता जो देखी जा सकती थी, तो जिसके पास आंख नहीं है वो कह सकता था ना कि पालने वाले ने तेरी निशानी को देखा ही नहीं, ईमान कैसे लिया था, ईमान कैसे लिया था। अगर सिर्फ ऐसी निशानी बनाई होती जो सुनी जा सकती है, तो जो कान की नेमत से महरूम वो तो कह सकता था महबूद हमने तेरी निशानियों को सुना ही नहीं, ईमान कैसे लिया था। तो अल्लाह ने जिम्मेदारी है। चुनांचे गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह ने भी जब मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया तो अली के ऐलान विलायत को जबान से सुनाया भी और अली को हाथों पे बलम करके दिखाया था। देखने की ताकत और सुनने की ताकत। इंसान पहले किसी चीज के वजूद को सुनता है और मानता है, फिर देखता है और मानता है। तवज्जो, परवरदिगार आलम ने जिस तरह से अपनी महदानियत के सिलसिले में पांचों ताकतें पांचों ताकतों से ताकत होने वाली निशानियां बनाई, उसी सूरत से रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान करना था। कर देते कह देते कि जिस चीज़ का मौला उस उसका यह अली मौला, लेकिन नहीं, पैगंबर भी इहतमाम कर रहे हैं। वही इहतमाम जो अल्लाह ने किया है तौहीद के सिलसिले में। एक तो मजमे के बीचों बीच मिंबर है, मजमे के बीचों बीच मिंबर है, फिर उसके बाद जब ऐलान करना हुआ तो अली को हाथों पे बुलंद किया, बुलंद करने के बाद सामने के मजमे की तरफ मुड़े, कहा अलामन कुंतु मौला फहदा अली को मौला, दाहिनी तरफ मुड़े अलामन कुंतु मौला फहदा अली को मौला, बाईं तरफ मुड़े अलामन कुंतु मौला फहदा अली को मौला, पीछे के मजमे की तरफ मुड़े अलामन कुंतु मौला फहदा अली को मौला। गोया अली के ऐलान विलायत को जबान से सुना भी रहे हैं और अली को हाथों पे बुलंद करके दिखा भी रहे हैं। या रसूल, इसमें क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत जाहिर हो जाएगी। देखो ये मजमा है कि जो हज से थका हुआ चला आ रहा है और इसमें एक से एक से दो साल के लोग हैं। नहीं ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि रसूल ने गुलामी खुतबा दिया था, हमें नींद आ गई थी, हम ना सुन सके थे कि पैगंबर ने कहा क्या। कोई ना कह सके कि हम बहुत दूर बैठे थे, हम नहीं देख सके थे कि पैगंबर ने दिखाया किसको, लिहाजा हमने अली के ऐलान विलायत को जबान से सुनाया भी है, गुफ्तगू यूं ही आगे बढ़ती रहेगी कि तौहीद असल है तमाम की तकादा है और हमें तौहीद को समझना है अपनी आंखों के जरिए। ये मकतबे तौहीद है, हम इसके दरोगा है और ये मकतबे तौहीद कुर्बानियों से महंगा है। अइमा की कुर्बानियां, मासूमीन की कुर्बानियां, रसूलुल्लाह की कुर्बानियां, रसूलुल्लाह के घराने की कुर्बानियां। पैगंबर ने क्यों फरमाया था माऊफ या नबी का माऊफी, दीन की तबलीग में जितनी अजियतें मुझे बर्दाश्त करना पड़ी किसी को बताए। सखी नजर से कोई देखे और सोचे तो ये सोच सकता कि एक तरफ जनाबे नूह की 950 साल पर मुश्तमिल तबलीग है, जिसमें दिन रात की अमल है कि जनाबे नूह पे पत्थरों की बारिश होती और जनाबे नूह पत्थरों में छुप जाते, शाम के करीब जिब्राइल आते जनाबे नूह पत्थरों के अंबार से बाहर निकालते और अपने परों को जनाबे नूह की जिल से मस करते और जनाबे नूह के रक्त मुंतकिल होते, फिर दूसरी
सुबह आती है तो जाने लो नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ, नए बलबले के साथ दिन की तकलीफ में मसरूफ हो जाती है। ये तारीखी हकीकतें नहीं है, लेकिन बात जहां तक आई तो फिर एक जुमला और सुनिए कि नूह में और फखरे नूह में फर्क है। ये जहां पे नूह के मंदिर है, जब जख्म हो जाए तो आसमान से फरिश्ता आए और अपने परों को मत करे तो इनके जख्म उनका भी हो, और वो फखरे नूह के मंदिर है कि अभी नवासा के बारे में फिक्र उठाता है, अपने जिसको मत करता है उसे दारू पल लेता है। तो इस पहलू से आप सोचिए कि जनाब नूह की मुसीबतें ज्यादा है रसूलुल्लाह की? रसूलुल्लाह की 23 साल की जिंदगी, 40 साल खामोशी की और 23 साल की तब्दील जिंदगी। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, ज़ाहिरी नुक्ते नज़र से कोई सोचेगा तो सोच सकते हैं, लेकिन हकीकतन पैगंबर ने जिन मुसीबतों की तरफ इशारा किया है सिर्फ रसूलुल्लाह पे आने वाले मसाइल रसूलुल्लाह के मसाइल नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत को जिन मसाइल का सामना हुआ वो सब के सब रसूलुल्लाह के। दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि पैगंबर के बाद अली के गले में रस्सी बांधी जा रही है, तो ये अली के गले में रस्सी नहीं बांधी जा रही है, रसूलुल्लाह के गले में रस्सी। पैगंबर के बाद शहजादी के दरवाजे पे आग और लकड़ी इकट्ठा की जा रही है, तो ये फातिमा का दरवाजा नहीं चलाया जा रहा, रसूलुल्लाह का दरवाजा चलाया। और सबसे बढ़ के ये रसूल इमाम हसन के 72 के जिगर के 72 टुकड़े लगन में नहीं आ रहे, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के 72 टुकड़े लगन। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और मुसीबत वो हुसैन की मुसीबत है। ये हुसैन की मुसीबत नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह की मुसीबत है, रसूलुल्लाह की मुसीबत। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े लगन में आ रहे थे, इमाम हुसैन छोटा भाई बड़े भाई को देखने के लिए आया। इमाम हसन को देखने के बाद सालन में इमाम हुसैन ने गिरिया शुरू किया। उस वक्त इमाम हसन ने एक ही जुमला कहा था, ला यौमा का यौमे कशा बाबा अब्दुल्ला, ए भैया हुसैन तुम्हारे रोजे मुसीबत से बड़ा कोई मुझे मुसीबत। तो अजीजो, ये सन 61 हिजरी से पहले और सन 61 हिजरी के बाद ये सारे वाकया जो पेश आए मसाइब वाले रसूलुल्लाह के टूटने वाले मसाइब हैं। हुसैन को मदीना छोड़ने पे मजबूर नहीं किया जा रहा, रसूलुल्लाह को मदीना छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा। हुसैन को काबे से जुदा नहीं होना पड़ रहा, रसूलुल्लाह को काबे से जुदाई अख्तियार करना पड़ रहा है। और कर्बला में पहुंचने के बाद ये हुसैन पे पानी नहीं बंद किया जा रहा है, ये रसूलुल्लाह पे पानी बंद किया जा रहा है। और फिर रोजे आशूर ये हुसैन को तौपाया नहीं जा रहा है, बल्कि रसूलुल्लाह पे मसाइब वाला की क्या की जा रही है। आप आमादा हो गए, हाथों में रुमाल है, आंखों में आंसू है, और क्यों ना हो, इसलिए कि आज मुहर्रम की 14 तारीख हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आज की तारीख में मामूलन शुहदाए कर्बला की मसाइब पढ़ता हूं और शुहदाए कर्बला में जिक्र करता हूं जनाब हबीब इब्ने मजाहिर, वो हबीब इब्ने मजाहिर कि जिनको जनाब ज़ैनब की फरमाइश में बुलाया था इमाम ने, इसलिए कि इमाम कर्बला पहुंचे और उधर दुश्मनों के लश्कर पे सारे पे निशाने फौज पे फौज आना शुरू हो गए। जनाब ज़ैनब ने किस तरह से कहा था, ए भैया कि आप लोग चाहने वाला नहीं है, ए भैया कोई आपके नाजरों मददगार नहीं है, ए भैया कोई आपका रफीक नहीं है, ए भैया आप मुझे अपनी मदद के लिए बुलाइए। इमाम ने कहा, बहन मेरा एक चाहने वाला, मेरा एक दोस्त, बचपन का दोस्त हबीब कूफे में मौजूद है। क्या बहने का, भैया तू हबीब को क्यों नहीं बुलाते? जनाब ज़ैनब की फरमाइश पर इमाम ने खत लिखा जनाब हबीब के नाम, खत लिखा और बाकायदा कासिद को लेके कूफे रवाना किया। वहां जनाब हबीब अपनी ज़ौजा के साथ दस्तरखान पे बैठे हुए, इतने में लुक्मा गुलगीर होता है। जनाब हबीब ने कहा कि यकीनन कोई कासिद आया चाहता है। अभी ये बात हो ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाने की आवाज जो सुनी, जनाब हबीब ने वहीं से पूछा, मन मिल बात दरवाजे पे कौन है? आवाज आई, दस्तरखान से फौरन उठ गए,
رسول اللہ سے جو قرابت ہے وہ تم بہتر جانتے ہو. اے حبیب زمانہ مخالف ہو گیا ہے, اے حبیب مشتیاں میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, اے حبیب کیا ممکن ہے کہ تم میری مدد کے لیے کربلا آؤ؟ عزیزان محترم, میں نے خط کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ یہ خط جناب زینب کی فرمائش سے لکھا گیا تھا. حبیب نے پورے خط کو پڑھا اور گریا کیا, لیکن آخر میں دو جملے بھی تھے جو زینب کی فرمائش پہ اضافہ کیے گئے. وہ دو جملے نے دو لفظیں تھیں, اس لیے امام نے جس وقت خط لکھ لیا جناب زینب کو تسلی کے لیے دیا, اے بہن اس خط کو تم بھی پڑھ لو. جناب زینب نے خط کو پڑھا, کہاں ماں جائے کیا اچھی تحریر آپ نے لکھی ہے, اے ماں جائے بہترین خط آپ نے تحریر فرمایا. لیکن ماں جائے زینب کی خواہش دو لفظوں کو اضافہ کر دی ہے, کہاں بہن بہو بول دو لفظ کیا ہے. جناب زینب نے کہا لکھ دیے کیا حبیب لے کے امام کی خدمت میں آئے. امام
کلیجے سے لگایا ہو. عزیزان محترم، زینب کی خواہش پوری ہو گئی، زینب کی خواہش پوری ہو گئی، اصحاب حضیری میں بھی خوشی کا ایک ہمہمہ ہے. اتنے میں جناب زینب کے خیمے میں